subscribe and press the bell icon to never miss a video from two IITians. The adjoining figure shows a model of a solid with cylinder. Cylinder is surmounted by a hemisphere at one end. Eki end surmounted hai, dusra free hai. If the model is drawn to scale of 1:200, find the total surface area of solid. Solid matlab original cheez ka nikalna hai aapko. In pi meter square. Matlab yahan sari dimension centimeter mein diya hai. Scale aapko 1:200 diya hai. To ab jab aap volume nikalte hain ya total surface area nikalte hain, उस केस में बाद में आपको सब कुछ मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ओरिजिनल के लिए. आपको यहां पे जो शक्ल दिख रही है वो दिख रही है हम मॉडल की, इसीलिए ये सब कुछ सेंटीमीटर में है. जो ओरिजिनल चीज होगी वो इससे कई गुना बड़ी होगी 1:200 के हिसाब से. तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे. यहां पे फर्स्ट पार्ट में टोटल सरफेस एरिया है, सेकेंड पार्ट में आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना होगा. इसके तुरंत बाद सेकेंड पार्ट भी आएगा. चलिए तो सबसे पहले हमारे पास जो है मॉडल, उसकी सारी कैलकुलेशन कर लेंगे, फिर मॉडल से हम लोग पहुंचेंगे ओरिजिनल में. अच्छा, अब एक बात और बताना चाहूंगा कि अगर यहां पर ये स्केल वगैरह आपको परेशान कर रहा है, आपकी बुक में एक चैप्टर है सिमिलैरिटी. सिमिलैरिटी में लास्ट एक्सरसाइज में फिर से यही वाले जो स्केल वाले चैप्टर क्वेश्चंस हैं वो वहां पे दिए हुए हैं. तो वो कॉन्सेप्ट यहां पे यूज करूंगा मैं और आप देखते हैं कैसे होता है. ओके, तो यहां पर है टोटल सरफेस एरिया. ऑफ द मॉडल, तो मॉडल का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा भाई? इसका कर्व सरफेस एरिया, स्फीयर का, हेमिस्फीयर का, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2πr² और इसका कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? सिलेंडर का, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2πrh. उसके बाद नीचे भी कर्व सरफेस एरिया आपको देखना पड़ेगा. जब पेंट करेंगे तो सब कुछ देखना पड़ेगा. नीचे जो है वो हो जाएगा πr². तो एक तरीके से 2πr² डोम का, ऊपर हेमिस्फीयर का, 2πrh सिलेंडर का, πr² नीचे वाले ढक्कन का. चलिए तो आप सब कुछ ऐड कर लीजिए. ये हो जा रहा है 3πr², क्योंकि 2πr² और ये जोड़ेंगे तो 3πr² हो जाएगा 2πrh. हमें यहां पर मालूम है r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, डायग्राम में दिख ही रहा है. h इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. तो यानी कि अब हम लोग यहां पर पाई r कॉमन ले सकते हैं. सब कुछ इन टर्म्स ऑफ पाई लाना ही है, तो पाई की वैल्यू क्या होगी? वी डोंट नीड टू केयर. 3r और यहां पे आ जा रहा है 2h. तो पाई बना रहने दीजिए, r की जगह रखिए 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 8. पाई मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 इज 9 प्लस 8 × 2 = 16. सो ये आ गया हमारा 75 पाई. ध्यान रखना है ये आएगा 75 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, पर हमें क्या चाहिए? हमें तो चाहिए पाई मीटर स्क्वायर. तो अब हम लोग थोड़ा सा स्केल फैक्टर की थ्योरी देखेंगे. ये आपको मालूम होना चाहिए कि यहां पर 1:200 आपको स्केल दिया हुआ. तो हम लोग लिखेंगे गिवन स्केल इज 1:200. Therefore, K is equal to scale factor is equal to 200. जो बड़ी वैल्यू होती है इसमें उसी को हम लोग स्केल फैक्टर ले लेते हैं. ठीक है, अब उसके बाद आप ये ध्यान रखिए, अगर कोई लीनियर कन्वर्जन होता है, मान लीजिए कि आपको कोई रोड दी गई है, वो मैप में रोड दिखाई दे रही है, रिवर कोई दिखाई दे रही है,
तो ये सारे लीनियर स्ट्रक्चर हैं, तब स्केल फैक्टर होता है। तो लीनियर स्ट्रक्चर्स में स्केल फैक्टर होता है के। जब आपको पास एरिया होता है, जैसे यहां पे सरफेस एरिया है, तो यानी 2D स्ट्रक्चर होता है। लीनियर स्ट्रक्चर को आप 1D स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। 1D स्ट्रक्चर मतलब एक ही डायमेंशन, बस नदी है तो भाई लेंथ ही लेंथ समझ में आती है उसमें। जब आप मैप में बनाते हो तो नदी की जो विड्थ है वो मैटर नहीं करती, हम इतनी विड्थ बनाते हैं कि मैप में बस दिखाई दे, एक्चुअल में हम उसको स्केल से नहीं बनाते। तो 1D अगर कोई चीज 1-डायमेंशनल है यानी लीनियर है तो स्केल फैक्टर के लेते हैं। कोई चीज 2-डायमेंशनल है यानी हम लोग एरिया की अगर बात कर रहे हैं तो स्केल फैक्टर होता है K2। और कोई चीज 3-डायमेंशनल है, मतलब जैसे कि यहां पर है, हम लोग वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो स्केल फैक्टर हम लोग K3 ले रहे हैं। तो आप और अच्छा, ऐसा होता इसलिए है कि आप देखते हैं कि किसी भी चीज की अगर लेंथ नापी जाती है तो उसकी यूनिट होती मीटर, किसी भी चीज का अगर एरिया नापा जाता है तो उसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, किसी भी चीज का वॉल्यूम नापते हैं तो उसकी यूनिट होती मीटर क्यूब। बस यही लॉजिक याद करके, यही लॉजिक देखकर हम लोग स्केल फैक्टर को यूज करते हैं। तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए, प्लीज नोट डाउन जरूर कर लीजिए। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हमको पूछा गया है, तो मैं क्या लिख रहा हूं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ एक्चुअल सॉलिड। एक्चुअल इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये मॉडल है, हम मीटर स्क्वायर में जा रहे हैं, यानी एक्चुअल सॉलिड की बात कर रहे हैं। वो क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया कि जब एरिया है तो स्केल फैक्टर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर की तरह यूज होगा, मल्टीप्लाइड बाय, अब क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द मॉडल, एरिया ऑफ द मॉडल। मॉडल का टोटल सरफेस एरिया हम लोग निकाल ही चुके हैं। अच्छा, के क्या है, 200 है, 200 मल्टीप्लाइड बाय होल स्क्वायर इनटू 75 पाई। लेकिन यार ये तो हम लोगों ने 75 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर यहां पे लाए हैं, तो ये भी जो आएगा 75 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर के ही टर्म्स में आएगा, बट हमें मीटर स्क्वायर में लाना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 75 पाई। अब आपका डाउट हो सकता है यार कि डिवाइड मल्टीप्लाई कैसे डिसाइड करेंगे, तो आप ध्यान रखिए कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर होगा। थोड़ा ध्यान दें तो हमने क्या पढ़ा है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो यार 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। 1 सेंटीमीटर अलग किया 1/100 लाया, दूसरा सेंटीमीटर अलग किया 1/100 लाया, तो अब सब कुछ मीटर स्क्वायर में आ चुका होगा। तो यही लॉजिक है यहां पर। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई मतलब जीरोस कैंसल हो गए, सारे जीरोस कैंसल होने के बाद यहां पे 2 × 2 हो गया 4, 4 × 75 हो गया 300। तो दिस इज 300 पाई मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब सरफेस एरिया आ चुका है, अगला पार्ट आ रहा है वॉल्यूम वाला। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ML अग्रवाल के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लें कि किस किस चैप्टर की प्लेलिस्ट कहां पर है, सब कुछ हमने चैप्टर वाइज अरेंज किया है जैसा आपकी बुक ML अग्रवाल में है। अपनी मर्जी का चैप्टर आप वहां पर क्लिक कर दिए और जो भी प्लेलिस्ट चाहे वो सॉल्व करते जाइए। और एक बात बताना चाहूंगा बच्चों, यदि आपको ऐसा क्वेश्चन मिला जो हमारे प्लेलिस्ट में नहीं है, आप उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, ML अग्रवाल के अलावा किसी और बुक से है, वो क्वेश्चन आपको बहुत परेशान कर रहा है, तो आप उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर्स पर, 3 व्हाट्सएप नंबर्स वहां पे दिए हुए हैं, उन पे अपना क्वेश्चन भेजिए, हम पेन एंड पेपर से सॉल्व करके आपको आंसर रिवर्ट कर देंगे। अगर आपका क्वेश्चन हमें बहुत अच्छा लगता है,
और हम उस पर वीडियो बनाना चाहते हैं तो हम जरूर वो वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो में आपका नाम और लोकेशन हम मेंशन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको टोटल सरफेस एरिया ना निकालकर इस बार क्या करना है, सेकंड पार्ट में हमें करना है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। ठीक है, हमें क्या सॉल्व करना है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन लीटर्स निकालना। ये भी मतलब एक पार्ट और इन्होंने बढ़ा दिया है यहां पर। पहले हम लोगों ने सरफेस एरिया निकाला, अब हमें निकालना है वॉल्यूम इन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन पाई लीटर्स। तो पाई के टर्म्स में आंसर निकालना है, ये जरूरत है यहां पर। तो हम तो क्या करते थे, स्ट्रेटेजी हमारी थी कि मॉडल का हमने सरफेस एरिया निकाला, फिर उसके बाद एक्चुअल सॉलिड का हमने सरफेस एरिया निकाला। वही स्ट्रेटेजी यहां भी अपनाएंगे, मॉडल का पहले वॉल्यूम निकालेंगे सेंटीमीटर क्यूब में, फिर मॉडल से हम लोग एक्चुअल सॉलिड में जाएंगे तो आएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब से, फिर मीटर क्यूब में जाएंगे, मीटर क्यूब से फिर हम लोग लीटर में जाएंगे। तो ये प्रोसेस हमारी रहेगी, वीडियो को पॉज करके अपने आप करने की कोशिश कर सकते हैं आप। चलिए, टोटल सरफेस एरिया जैसे निकाला था उसी तरह टोटल वॉल्यूम, सिर्फ वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ मॉडल। वॉल्यूम ऑफ मॉडल क्या हो जाएगा, पहले इसका वॉल्यूम हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस इसका वॉल्यूम सिलेंडर का कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। हमें पता ही है आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है और एच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है। तो अब क्या हो रहा है हमारे पास कि हम लोग पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, 2r/3 आया प्लस h आया हमारे पास। अब उसके बाद पाई मल्टीप्लाइड बाई r, हमारे पास कितना है 3 है, मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर 2/3 डिवाइडेड बाई 3, ये 3 r की जगह फिर 3 रखा, प्लस h की जगह हमने 8 रख दिया, ये दोनों कैंसल हो गए। तो एक तरीके से हमारे पास बचा पाई मल्टीप्लाइड बाई 9, 3 स्क्वायर 9 हो गया और 8 और 2 10। So now we have 90 पाई, लेकिन ये वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम किस में आ रहा होगा, सारी डायमेंशन सेंटीमीटर में है, तो ये वॉल्यूम आ रहा है 90 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लोग आ जाते हैं एक्चुअल सॉलिड के वॉल्यूम में, वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल सॉलिड, और वो हमें लीटर्स तक जानना है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, स्केल फैक्टर हमने क्या माना था, के माना था, के क्यूब होगा क्योंकि अब वॉल्यूम का केस है, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ मॉडल। के क्या था, 200 था, यहां से देखिए 200 है, 200 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट मतलब 200 का क्यूब इन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ मॉडल। वॉल्यूम ऑफ मॉडल क्या आया है, 90 पाई, बट ये आएगा किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में। फिर से वही करेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या, 1/100 मीटर ये होता है, तो इसीलिए ये सेंटीमीटर 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 3 बार टूटेगा और इसके पास जाएगा 200 × 200 × 200 divided by 100 × 90 पाई। अब की बार लेकिन हम लोग मीटर क्यूब लिख सकते हैं और ये 2 0 2 0 2 0 सब आपस में कट गए, तो 2 × 2 × 2 8, तो ये कितना हो गया, 720 मीटर क्यूब। बट ये भी आंसर हमारा नहीं है, 720 पाई मीटर क्यूब में आ रहा है, आंसर नहीं है हमारा, हमारा आंसर किस में लाना है, लीटर में लाना है। तो फिर याद रखिए 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स, ये भी एक स्टैंडर्ड है, फिजिक्स से आता है ये। तो ये क्या हो जाएगा, 720 पाई मल्टीप्लाइड बाई 1000 लीटर्स, तो ये कितना हो जाएगा,
720 और उसके बाद 1, 2, 3 मल्टीप्लाइड बाय पाई लीटर्स, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो काफी ज्यादा बड़ी वैल्यू आई है, 4 बार जीरो लिखे लगे हुए हैं। आप इसको 720,000 पढ़ सकते हैं या 720,000, ये सब तो आता ही है आपको। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो हम लोगों ने पूरा सॉल्व कर लिया है। ये एक ऐसा क्वेश्चन था बच्चों जहां पर सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट आपको मेंसुरेशन से मिक्स कराया था। तो दिस इज रियली अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा लगा।